हेलो एस्पिरेंट्स, आज हमें आर्ट एंड कल्चर के अंडर पढ़ना है चैप्टर नंबर 16 ऑफ नितिन सिंघानिया सर बुक विच इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द एजेस, यानी कि पुराने टाइम से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं, कौन सी पहली बुक थी जो मैथमेटिक्स के ऊपर लिखी गई है। तो इस तरह से कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पार्ट्स में ये वीडियो आएगा। फर्स्ट पार्ट यानी कि जिसमें मैथमेटिक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, वो वीडियो अपलोड कर दी है। दिस इज द सेकेंड पार्ट जिसमें हम मेडिसिन के बारे में जानेंगे, गॉड ऑफ मेडिसिन किसे कहते थे, फर्स्ट बुक मेडिसिन पे जो लिखी गई उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से चीजें जो भी मेडिसिन से रिलेटेड पुराने टाइम में चरक संहिता हो गया, सुश्रुता संहिता हो गया, तो इस तरह की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे। और चलिए अब सीधे चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। मेडिसिन माने जो दवाइयों का क्षेत्र है, उसमें क्या किस तरह से डेवलपमेंट हुई पुराने टाइम से लेकर अभी तक, वो हमें जानना है, ठीक है। स्पेशली हम एंशिएंट इरा, मिडिवल इरा, इस टाइम पीरियड पे फोकस कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम वैदिक इरा की बात करें, वैदिक समय से ही प्रैक्टिशनर्स ऑफ मेडिसिन वर कॉल्ड अश्विनी कुमार। ये प्रैक्टिशनर्स क्या होता है, जो भी मेडिसिन फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। अब डॉक्टर्स होते हैं, तो जब डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जैसे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जो अभी है ना, प्रॉपर डॉक्टर तो नहीं बोलेंगे बट डॉक्टर ही होते हैं, तो जब वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही इंजीनियर्स जो होते हैं वो फील्ड में जाते हैं तो वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जैसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे ही उस टाइम पे जो मेडिसिन की प्रैक्टिस करते थे, फर्दर स्टडी करते थे, उन्हें हम कहते थे अश्विनी कुमार्स। एंड गॉड ऑफ मेडिसिन मतलब प्रॉपर हेड जो मेडिसिन के माने जाते थे वो थे धन्वंतरी, ठीक है जी। अब वो टाइम आ गया जब हमें बुक के बारे में पढ़ना है। सो फर्स्ट बुक वेयर वी फाइंड मेंशन अबाउट डिजीज, क्योर्स एंड मेडिसिन इज अथर्ववेदा। पहली ऐसी बुक जहाँ पे बीमारियों का जिक्र है, बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए, उनके लिए क्या क्या दवाइयाँ यूज की जाए, ये सारा जिक्र आपको अथर्ववेद में मिलेगा। देखिए, इससे पहले जानने वाली ये कहानी है कि पहले के टाइम पे क्या माना जाता था। जिस टाइम पे अथर्ववेद आया उससे भी पहले की बात है कि इंसान को बीमारी क्यों होती है, ये डिजीजेस क्यों इंसान को लगती है, क्योंकि डेमन्स होते हैं, स्पिरिट्स होती हैं, बुरी शक्तियां इंसान के शरीर में एंटर कर जाती हैं। तो अगर उन्हें उन बुरी चीज़ों को जो आदमी है, इंसान है, उसके शरीर से बाहर निकालना है तो मैजिकल स्पाम्स चाहिए, मैजिकल चीज़ें चाहिए, जादू टोना थोड़ा करना पड़ेगा। और वो जो जादू टोना टाइम के साथ चेंज होता गया और वो बन गया मेडिसिनल फील्ड, यानी कि दवाइयों के थ्रू हम अब इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी अथर्ववेद से भी पुरानी है। फिर उसके बाद अथर्ववेद आया जिसमें बीमारियों का, उनके इलाज, उनके मेडिसिन, ये सारा जिक्र किया गया। अब यहाँ पे जो सिंपल जो डिजीज रहती है, जैसे कि डायरिया है, कफ है, लेप्रेसी है, फीवर है, इन सब का जिक्र है, इन बीमारियों का जिक्र है। नाउ टाइम थोड़ा और एडवांस होता है, ठीक है। तो 600 BC के अराउंड सेंटर्स फॉर मेडिसिनल लर्निंग, इस क्षेत्र में लर्निंग करने के लिए 2 सेंटर्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए जो कि थे तक्षशिला एंड वाराणसी, ठीक है ना। तो अब मेडिसिन के अंडर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चरक संहिता के बारे में और सुश्रुत संहिता के बारे में। देखिए, प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मैथमेटिक्स के बारे में, हमने जाना आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, है ना, शंकराचार्य हैं। तो इन सब के नाम हमने पढ़े, किसी ने जीरो को इन्वेंट किया, किसी ने जीरो को एज ए नंबर इन्वेंट किया, किसी ने पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स दिए, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। तो अब मेडिसिन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जो चरक संहिता है वो डील है विद आयुर्वेदा। हम बोलते हैं ना, अरे यार आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लो, फर्क जो है उसका इफेक्ट कुछ टाइम के बाद दिखाई देता है, लेकिन वो आपके शरीर पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता है ना, आपको कोई एलर्जी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी चाहिए, शरीर पे इम्पैक्ट नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, सुना होगा। तो वही आयुर्वेदा जो है वो रिलेटेड है चरक संहिता से। एंड सुश्रुत संहिता डील्स विद सर्जरी, सर्जरी माने ऑपरेशन, पेट काटना, टांगे काटनी, कहीं भी कुछ हो जाए, है ना, जैसे स्टोन हो जाए तो पेट कटता है ना, तो वैसे करके जो सर्जरी ऑपरेशन वाला काम है, दैट इज रिलेटेड टू सुश्रुत संहिता। अब देखिए, जो आयुर्वेदा है इनकी, ये जो अभी देखिए चरक संहिता आया, चरक ने लिखी है ना, जो आयुर्वेदा से रिलेटेड है, इस फील्ड से ऑलरेडी डील किया जा चुका था 800 BCE में अत्रेय एंड अग्निवेशा के द्वारा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है कि गॉड ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं, प्रैक्टिशनर्स ऑफ मेडिसिन को क्या कहते हैं, और पहली बुक जो डिजीज या क्योर्स के ऊपर लिखी गई उसका क्या नाम है, सेंटर्स फॉर मेडिसिनल लर्निंग 600 BC के अराउंड कौन कौन से थे, चरक संहिता किससे डील करता है, सुश्रुत संहिता किससे डील करता है, अत्रेय एंड अग्निवेशा किससे डील करते हैं, मेडिसिन से, मैथमेटिक्स से, एस्ट्रोनॉमी से। तो आपको पता होना चाहिए मेडिसिन से रिलेटेड है, स्पेशली आयुर्वेदा से, ठीक है ना। अब देखिए स्टैंडर्ड अब आज के डेट में इतना ज़्यादा हाई हो गया एग्जाम्स का, क्योंकि हर एक इंसान प्रिपरेशन कर रहा है, तो हर एक इंसान अच्छी से अच्छी बुक्स पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली अब एग्जामिनर को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो फिल्टर कर सके स्टूडेंट्स को, है ना। तो अब आपको आर्ट एंड कल्चर पे भी उतना ही फोकस करने की जरूरत है। बहुत डेप्थ में मैं ऑलरेडी नहीं पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं बहुत डेप्थ में पढ़ा रही हूँ, जहां से क्वेश्चन बन सकता है उतना ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे चरक संहिता के बारे में। सो इट डील्स विद द यूज ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स फॉर द मेडिसिनल पर्पसेज। चरक संहिता आयुर्वेदा से डील करता है, जिसमें स्पेशली प्लांट्स होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, उनको यूज किया जाता है जो बीमारियां होती हैं उनको भगाने के लिए, ठीक है। अब जो चरक संहिता है इसमें एक्सटेंसिवली एक नोट है डाइजेशन के ऊपर, मेटाबॉलिज्म के ऊपर और आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर, ठीक है। और ये बुक जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती है ऑन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आपको कोई बीमारी हो जाए उसका इलाज हो, उससे बेटर है कि आप उस बीमारी से दूर रहें, प्रिवेंट करें खुद को, ठीक है। चलिए अब जैसे कईयों को शुगर होती है तो क्या करते हैं, चीनी खाते चलते हैं, उनको मना होता है कि मीठा नहीं खाना है ना। तो उस केस में वो क्या कर रहे हैं, वो इलाज को बुलावा दे रहे हैं, बीमारी को बुलावा दे रहे हैं, तो उससे बेटर है वो खाएं ना, ना इलाज होगा ना बीमारी आएगी, है ना। चलिए अब हमने चरक संहिता अच्छे से पढ़ लिया, अब हम सुश्रुत संहिता के बारे में जानते हैं। देखिए बहुत डिटेल में आपको नहीं आएगा, बट कौन है जो हर्ब्स के साथ डील करता है, चरक संहिता या सुश्रुत संहिता। अब ये जड़ी बूटी है, ऑब्वियसली जड़ी बूटी आयुर्वेदा से रिलेटेड है और आयुर्वेदा चरक संहिता से रिलेटेड है। अब हम पढ़ेंगे सुश्रुत संहिता के बारे में, तो इसके रिलेटेड कुछ ही पॉइंट्स हैं, जैसे कि इट डील्स विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सर्जरी। जब भी कोई ऑपरेशन हो रहा है ना, शरीर के किसी भी पार्ट का, तो प्रैक्टिकली क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ऑपरेशन करने से पहले क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, किस तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से, जैसे अगर हमारी स्किन कटती है ना तो 7 लेयर्स होती हैं स्किन की, उसके बाद जो है अंदर जाके फिर चेंजिंग्स करते हैं वो, जो भी करते हैं डॉक्टर्स, है ना। तो 7 लेयर्स होती हैं, तो उन लेयर्स को किस तरीके से काटना है, ब्लेड कितने जोर से चलाना है, कितने धीरे चलाना है, तो ये सारी चीज़ें जो है सर्जरी में बहुत अच्छे से इलेबोरेट की गई हैं सुश्रुता संहिता के अंडर। नाउ हिज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इनका क्या है, ये देखिए सरंग धारा संहिता, ठीक है। ये भी एक बुक इन्होंने लिखी है जिसमें ओपियम का यूज इन मेडिसिन एंड फॉर यूरिन एग्जामिनेशन इन लेबोरेटरीज। तो ओपियम आप समझते हैं क्या होता है, तो उसको एज ए मेडिसिन यूज करना, है ना। एंड नेक्स्ट आता है द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हम पढ़ते हैं आयुष मिनिस्ट्री पढ़ते हैं आज के डेट में, आयुर्वेदा, यूनानी, है ना, ये सब आयुष की फुल फॉर्म है। तो अब ये जो यूनानी सिस्टम है मेडिसिन का, ये इंडिया आया है ग्रीस से, ठीक है, ग्रीस से इंडिया आया है। और ये डेटा हमें कहाँ पे मिलता है, जो ये फिरदौसो हिकमत है, ठीक है, ये बुक का नाम है जो कि लिखी गई है अली बिन राबन के द्वारा, उसमें मिलता है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कोई चीज़ इसमें लगती है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में है, हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो आप वो चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, ठीक है। तो हम देखिए नितिन सिंघानिया सर की जो बुक है आर्ट एंड कल्चर की, उसे रेफर कर रही हूँ मैं नोट्स बनाने के लिए। हमने ऑलमोस्ट 70% के अराउंड सिलेबस कर लिया है, 4-5 चैप्टर्स और बचते हैं, ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। 2-3-4 चैप्टर्स तो ऐसे भी हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो हम ऑलरेडी स्किप कर चुके हैं, है ना, मैं स्किप कर दूंगी उनको लास्ट में। तो अभी हमारा इंडियन सिनेमा बचता है जो कि इंपॉर्टेंट है, इंटेंजिबल, टेंजिबल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बचती है, तो उनमें से आई थिंक मैंने एक पढ़ा दी है, मुझे देखना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें बचती हैं, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है, यस, इसके बाद हम हैंडीक्राफ्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कलमकारी है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो आप बस वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, जो भी आपको सही से लगता है पढ़ते रहें, और अपने एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन पे फोकस करें, ठीक है जी। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।